लहूलुहान हो गया युवक क्योंकि चाकू से किए गए थे खतरनाक वार। क्योंकि पूरा मामला है प्रयागराज जिले के मेजा भटोती के पास का। वहां पर छोटू सोनकर पुत्र दिलीप सोनकर टैक्सी ड्राइवर है जो कि सवारी लेकर कोहडार घाट गया था वापसी के वक्त। भटोती के पास सूरज सोनकर पुत्र रंगलाल सोनकर छोटकऊ सोनकर पुत्र लाल चंद्र सोनकर नीरज सोनकर पुत्र दिलीप सोनकर अपने साथियों के साथ रोक कर गाली गलौज करते हुए लाठी डंडे और चाकू से वार कर दिए जिससे इसको काफी चोट आई है। आपको बता दें कि इससे साफ होता है कि किस तरह से आपराधिक घटनाएं अपना पैर पसार रही हैं और अगर अभी इस पर लगाम नहीं दिया गया तो धीरे धीरे करते अपराध का गढ़ बन जाएगा प्रयागराज, जिसे कि शांति और संदेश का गढ़ बनाना चाहते हैं। ऐसा ना हो कि कुछ दिन बाद यहाँ पर अपराधी अपने बुलंद हौसलों के चलते किसी को भी धर दबोचे। कौन सा धंधा करते हैं आप? संतरी का कार्य करते हैं, लेबर का काम करते हैं। किस लिए चाकू मारे? चाकू इसलिए मारे, उनको टेंशन था। यहाँ कौन मारा चाकू? जी सर, वो था मुंशी लाल का लड़का अजय कुमार निषाद और दिलीप कुमार सोनकर, महिर कुमार सोनकर, शिवलाल सोनकर। जी सर, कहाँ मारे आपको चाकू? चाकू सामने दिखाई दे रहा है, हाथ पूरा कट गया है सर, बांधे हैं पूरा नस कर गई, पूरी खोलेंगे। प्रयागराज से थी राजी की रिपोर्ट।